छिंदवाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन ने दिलाई शपथ। सीएम कमलनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश। खुशी की लहर। जिला अस्पताल में भी शुरू हुआ कायाकल्प। हर दिन बदले जाएंगे मरीजों के बेड के चादर। और वार्ड क्रमांक 6 और 8 में गंदगी और पानी की समस्या से क्षेत्रवासी परेशान। शहर में पानी की किल्लत और लापरवाही के नजारे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। आज एक सादे समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीपक सक्सेना को शपथ ग्रहण कराई। इस गौरवपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मंत्री आरिफ अकील, जयवर्धन सिंह एवं श्रीमती इमरती देवी, विधि विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा, पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल, वन मंत्री उमंग सिंघार और पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शपथ लेने हेतु उपस्थित आपसे शपथ। मैं दीपक सक्सेना ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अक्षुणता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर दिन रात लगातार सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए और उनके परिजनों तथा पारिवारिक दायित्वों के लिए सीएम कमलनाथ की संवेदनशील सोच साकार हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों के परिपालन में 3 जनवरी गुरुवार से पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक मनोज राय और एडिशनल एसपी शशांक गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। परिपत्र इसको आज हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं, उसी संदर्भ में आज आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा जिला में 24 पुलिस थाने और 16 चौकियाँ हैं, साथ ही यहाँ ट्रैफिक एजेके और रक्षित केंद्र हैं। कुल मिला के हमारे जिले में लगभग 1,082 अधिकारी और कर्मचारी हैं जो विभिन्न यूनिटों में काम कर रहे हैं, फील्ड यूनिटों में काम कर रहे हैं। हम लोगों द्वारा इसका निर्देशानुसार रोस्टर तैयार किया गया है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर तक प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन मनसानुसार साप्ताहिक अवकाश प्राप्त हो सके, उस रोस्टर को हम लोगों ने तैयार कर लिया है। यह संख्या पूरे जिले में प्रतिदिन लगभग 154 से 155 के करीब बैठेगी, जिसमें प्रतिदिन हमारे जो पूरा यहाँ का बल है उसमें से 155 के आसपास कर्मचारी अधिकारी इस साप्ताहिक अवकाश का लाभ ले सकेंगे। इस अवकाश का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी के लिए सप्ताह में उसका दिन निर्धारित होगा कि किस दिन उसको अवकाश दिया जाएगा। उसको रोक नहीं सकता है, उसको निरस्त नहीं कर सकता। इसको लेके आज आपने देखा होगा हमारे कुछ कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें बहुत ही उत्सुक इस व्यवस्था को लेके उत्साह है और हम लोगों को विश्वास भी है कि इस व्यवस्था से न केवल हमारा फील्ड में जो काम करने वाला स्टाफ है, अधिकारी हैं, वो तरोताजा होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति एक दिन के ब्रेक के बाद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उस निर्देशानुसार इसके जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं का सख्त कानूनों के द्वारा पालन किया जाए। थैंक यू। संडे अवकाश चालू रहे, किसी भी तरह का अवकाश की पात्रता सामान्य रूप से जो अन्य विभागों में होती वो नहीं थी, तो इसलिए 700 दिन को हमने अलग अलग डिवाइड किया है और रोस्टर में
उसमें जवाबदारी और तनाव का एक कई बार देखा गया है कि स्वास्थ्य को लेके तनाव को लेके कर्मचारी हमारे परेशान रहते हैं। तो ये व्यवस्था की गई है कि उसमें जो दिन निर्धारित किया गया है उस दिन हम उनको ऑफ रखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि वो अगर हमें आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में नहीं है तो हम उसको जानबूझ के रोकेंगे। ये उस कर्मचारी को 100% हम हमारे द्वारा अवकाश उस दिन साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि ये जो इस तरह की कोई समस्या जो है वो ना हो। पहले 154 लोगों को पहले दिन अवकाश पे रखा गया है, जो कल प्रातः से लेके परसों सुबह 8 बजे की जो हमारी थाने में गणना होती है जिसमें उनकी उपस्थिति मानी जाती है। जैसा आप सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ के बाद ये घोषणा की थी कि सभी पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में कल 1 जनवरी को पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा परिपत्र जारी किया गया था जो हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसी के पालन में आज छिंदवाड़ा जिले में हम लोगों ने इस साप्ताहिक अवकाश की परंपरा को शुरू कर रहे हैं। इसमें पूरे जिले में लगभग 1082 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। इनमें से रोस्टर हम लोगों ने तैयार किया, उस रोस्टर के अनुसार लगभग 155 कर्मचारी अधिकारी प्रतिदिन अवकाश पर रहेंगे। इस व्यवस्था को कल सुबह से हम लोग लागू कर रहे हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि सभी थाने, ट्रैफिक, AJK, रक्षित केंद्र, इनके जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनको उनकी ड्यूटी के अनुसार उनके दिन निर्धारित करते हुए सप्ताह में उनको अवकाश की जो सुविधा है वो दी जाए। इससे न केवल यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारियों में बहुत उत्साह है बल्कि हम लोगों को उम्मीद है कि इस व्यवस्था के बाद और ज़्यादा पुलिस तरोताज़ा होकर व्यावसायिक रूप से सक्षम होकर कार्य करें। सर, 154 लोगों की जो छुट्टी होगी प्रभावित होगा पुलिस का काम या चलते रहेगा? सर नहीं, इस तरह की व्यवस्था है कि जिसमें प्रत्येक थाने से अधिक 2 से 3 लोग इसमें इसका लाभ उठा पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जिसमें सामान्य जो पुलिस के काम है वो भी चलेंगे और एक निश्चित संख्या में हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। कल क्या करेंगे आप छुट्टी के दिन? कल मेरा साप्ताहिक अवकाश का प्रथम दिन है, माननीय CM महोदय के आदेशानुसार हमें प्राप्त हो रहा है। तो कल मैं पूरा दिन अपने परिवार के साथ, मेरी 4.5 साल की बच्ची है, मैं जब भी ड्यूटी जाता हूँ तो मेरी बच्ची कहती है कि पापा जी आप ड्यूटी क्यों जा रहे हो, तो कल उसके साथ पूरा समय व्यतीत करूँगा, उसको खुश रखूँगा और जो संभव हो करें। बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और पहली बार मतलब ये छुट्टियों की शुरुआत हुई है तो कम से कम टेंशन से एक दिन मुक्त रहेंगे पुलिस परिवार और अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, बच्चों के साथ छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। छुट्टियाँ कौन सी छुट्टी निश्चित की है, सुनिश्चित की है? मेरा तो अभी गुरुवार का कल पहली छुट्टी रहेगी। पहली छुट्टी में तो मेरे जो भी काम है वो निपटाने का की कोशिश करूंगी। यही छुट्टियां हर सप्ताह मिलने वाली है, मतलब महीने में मिलने वाली है, तो उस काम निकालेंगे और उस छुट्टियों के दौरान करेंगे और कहीं अगर घूमने काम होगा तो फिर बच्चों को लेके जाएंगे। छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में नए साल से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम किए गए हैं। इसका सीधा फायदा मरीजों को मिलेगा, गंदी बेडशीट से मुक्ति मिलेगी क्योंकि हर दिन नई चादर नए रंग की होगी। नए साल से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों की सहूलियत और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था बनाई है। यहां हर दिन मरीजों के लिए नई चादर बिछाई जाएगी जिन पर कलर बेड में एक दिन अंकित होगा। हर दिन के लिए एक अलग कलर बेड तय किया गया है।
इस व्यवस्था से मरीज स्वयं ही मॉनिटरिंग कर सकेगा और लापरवाही पर शिकायत कर सकता है। जानकारी के अनुसार जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शुक्ला ने जिला अस्पताल को 2800 चादर प्रदान की है। इसमें सोमवार से रविवार तक की अलग अलग रंग की पट्टी वाली चादरें शामिल हैं। दिन के हिसाब से चादर की पट्टी का रंग होगा। सोमवार को पीला, मंगलवार को ब्लू, बुधवार को गुलाबी, गुरुवार को पीला, शुक्रवार गुलाबी, शनिवार को ग्रे और रविवार को हरा रहेगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिले छिंदवाड़ा जिले को एवं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी जिले हैं उनको अलग अलग कलर कोड के अंतर्गत बेडशीट प्रदान की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रतिदिन सोमवार से लेकर इतवार तक के अलग अलग कलर कोड की चादरें बिछाई जाएंगी। इनका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि जो मरीज हैं उनको ये पता चल जाए, संबंधियों को पता चल जाए, जो भी राउंड लेगा उसको पता चल जाएगा कि सोमवार के दिन कौन से कलर की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अलग अलग दिनों में अलग अलग कलर की चादरें, जो उसकी एक स्ट्रिप रहेगी उसके अंदर लिखा भी रहेगा कि सोमवार की चादरें सोमवार को, मंगलवार की चादरें मंगलवार को। इस तरह से प्रतिदिन चादरें बदली जाएंगी। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जो पेशेंट्स भर्ती होते हैं उनको कई प्रकार के इन्फेक्शन एक दूसरे से भी फैलने के चांसेस रहते हैं। यदि हम रोज चादरें बदलेंगे और पेशेंट को भी पता रहेगा कि आज कौन सी चादरें हैं, तो इससे इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर सफलता मिलेगी और कमी आ जाएगी। इस प्रकार से जिला अस्पताल छिंदवाड़ा को अभी 29 तारीख को भोपाल NHM से एवं कायाकल्प के अंतर्गत ये चादरें 2800 चादरें प्राप्त हुई हैं। इसका वितरण प्रत्येक वार्ड में कर दिया गया है और सिस्टर द्वारा 30 तारीख से 31 तारीख से इसका बिछाना शुरू कर दिया गया है। वार्ड क्रमांक 6 और 8 के रहवासी पानी की समस्या और गंदगी से हलाकान है। वार्ड वासियों के धीरज और सब्र का बांध अब टूटने लगा है। कब से नहीं हुई इधर साफ नाली? कम से कम 15 से 20 दिन पहले साफ हुई थी, वो भी ऊपर ऊपर। कोई नहीं आता क्या? कोई नहीं आता। बदबू आती? बदबू बहुत आती ना, आपको लगी रही होगी अभी बदबू। आप टैंकों का पानी बहता तो बहुत भयंकर की बदबू आती है। और पहली बात तो ये नाली बनी नहीं है, निकासी की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, पानी भी नहीं है। पार्षद जी नहीं आए। कौन है पार्षद? मासू है। बता, दोनों वार्ड से 8 महीने से सफाई नहीं हो रही, 8-9 महीने हो रहे, ना कोई आता है। कचरे वाले बोलते आज उठाए कल उठाए, नहीं वो भी नहीं करते सफाई, ना ये वार्ड की करते ना वो वार्ड की करते। कब से नहीं आए साफ सफाई वाले? आते नहीं भैया, करते नहीं साफ सफाई, कल दिन नाले में साफ करते हैं। बहुत गंदगी? हाँ, साफ ही नहीं करते। बदबू बाहर आती है, गंदी गंदी बाहर आती, बच्चे लोग रहते छोटे छोटे। एक महीना हो गया नाली साफ नहीं हुई, कचरा नहीं उठता और पानी तो आई नहीं रहे, पानी तो कम से कम 5-6 दिन हो गए, ये गली में तो आता ही नहीं पानी। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 8 है। कौन है पार्षद? उमा है। कर्मचारी आते तो क्या बोलते हैं? कर्मचारी तो आते बहुत 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 दिन तक, तो नाली साफ करने वाले आते हैं। आपने किए थे निगम में? क्या बोले? कितने दिन बाद होती दवाई? कचरे उठाने वाले नहीं आए। कितने कितने दिनों के अंतर में होती है?
नाली एक एक हफ्ता हो गया साफ नहीं होती है। एक हफ्ता हमारे बहुत हो गए, पैसे देके साफ नहीं होती है। अभी 8 दिनों को नाले कचरा पड़ा हमारे घर के पास, हमारा किचन हम नाली खुद नाले के सामने है, वो 8 दिनों का कचरा पड़ा है, उसको भी नहीं उठा रहे कचरा। 6 महीने से ये कचरा नाला सालों से यहाँ सफाई नहीं हो रही है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली का कहना है कि वे समस्या का शीघ्र निराकरण कराकर ही दम लेंगे। इधर सहायक आयुक्त आरएस बाथम ने भी जारी प्रयासों और निराकरण की बात कही है। पानी की बहुत समस्या चल रही है, लोगों को टैंकर भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसके आप सब कल कांग्रेस पार्षद नगर निगम कमिश्नर बैठ के चर्चा की है हमने कि कमलनाथ जी जैसे दिन कलेक्टर साहब ने घोषणा करके 1 मार्च से पानी दिया जाएगा, कल कमिश्नर साहब ने भी देख हमको दहशत देखने मिली कमलनाथ जी के द्वारा बोला गया है कि भाई 1 तारीख से अगर आपने 1 मार्च से पानी नहीं दिए तो आपको दिक्कत है, कि बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ते चली जा रही। अभी 1-2 जो शहर में आजू बाजू में बोर है उस पर पानी के लिए नगर निगम डिपेंड है, उसको लेके जो हम लोगों ने कल चर्चा करें हैं तो कुछ 20 टैंकर और मुंडे किराए से लिए जा रहे हैं, इससे वार्ड बाई वार्ड टैंकरों को दे दिया जाएगा, उससे सप्लाई की जाएगी। इसको लेकर कल हमने कमिश्नर से बात की, जितना जल्दी हो सकती है इस पर एक्शन लिया, क्योंकि दिन पे दिन जो हो रहा है पानी की समस्या बढ़ते जा रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुलिस सब आने लगी। कल तो एक जगह वार्ड नंबर 8 में चिकल से पुलिस भी आई और आज भी विवाद की स्थिति बन रही है। अब क्या है, जनप्रतिनिधि भी सामने खड़े होकर जितना हो सकता पानी बंटवा रहा है, जनता से भी ये आग्रह है कि भाई पानी की समस्या को देखते हुए संयम बरतें और जहां आपको 4 बाल्टी पानी में काम हो रहा है वहाँ उसको 2 बाल्टी में करें, तो पानी बचाना भी अपनी जवाबदारी है, तो पानी को बचा के अपने को ही जो पानी मिल रहा है उसी में अपने को। अभी कितने दिन के अंतराल में पानी मिल रहा है? अभी दो कहीं 1 दिन के अंतराल में आ रहा है, कभी 2 दिन के अंतराल में आ रहा है, और नगर निगम प्रशासन से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से मोटर चालू करेंगे, शायद 1-2 दिन बाद फिर पानी नगर निगम का चालू हो जाए। नहीं तो अभी वार्ड नंबर 8 में 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हाँ नहीं आया ना, अभी टैंकर बढ़ रहा है, मैंने बुलवाया टैंकर भी बांट रहा पानी, शाम तक वहाँ पानी पहुँच जाएगा, तो टैंकर भी कम पड़ रहे हैं, कम पड़ रहा है, तो अभी 20 टैंकर किराए से ले रहे हैं, उन्हें आज टैंकर उसका खुल गया है, 20 टैंकर और मुंडे किराए से लिए जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, और उसको क्या कहते हैं हो सकता है कल परसों से वो भी चालू कर देंगे। कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की लापरवाही है, अगर ये चीज़ें 6 महीने पहले हो जाती हैं तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता, जो काम अपने को 6 महीने पहले जो चीज़ें कर लेने का आप उसके लिए कर रहे हैं, मतलब कुआं प्यासे हैं और कुआं खोदने की तैयारी में, ये तो है लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही रही है, तो सत्ता ने पक्ष में जो लोग बैठे उनने भी ध्यान नहीं दिए, नगर निगम प्रशासन ने ध्यान दिया, जिसका आज ये खामियाना जनता को भुगतना पड़ता है, और गंदगी भी नहीं होती है उनकी, सफाइयों की भी बहुत स्थिति खराब है, स्वच्छता को लेकर जो चल रहा है, कर्मचारी कहीं कम है, कहीं नालियाँ साफ नहीं हो पा रही हैं, ये चीज़ तो है। अब हमने उसके लिए कल भी मांग करें कमिश्नर साहब से, उसके लिए कर्मचारियों की भी, और क्या हो रहा है, अभी जो सरकार बदली 25% आदमी जो तनख्वाह ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अब उनकी भी हमने लिस्ट बुलवाए हैं, उनको भी बुलवा के उनको ड्यूटी में ज्वाइन करवाना, तो बाहर का रास्ता दिखाना। क्या आपको लगता नहीं कि इसमें कहीं नगर निगम कमिश्नर की लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है? देखो लापरवाही तो सबकी जा रही है, हम भी अपने आप को दोषी मान सकते हैं, वो भी मान सकते हैं, लेकिन अब क्या है, पिछले 1 महीना चुनाव होना और ये सब चीज़ों में व्यस्त हो गया, अब सरकार बदल गई, सब चीज़ें तो अपन उसको धीरे से उस चीज़ों को बनाने के लिए उसमें लग गए हैं, कि भाई जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो उसको सुधारने की तरह हम चल रहे हैं, उसमें कमिश्नर साहब कल हमने ये चीज़ें भी बता दी है, समझा दी है पूरी, कल बैठ के हमें 1 घंटा उनसे चर्चा हो गई है, कि भाई आपको ये सब चीज़ें कुछ पार्षद कह रहे हैं कि वो कमलनाथ जी ने बोले पानी का उनसे ले जाके ऐसा भी बोलते हैं, हाँ ये पार्षद सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं, कल मैंने भी आपके सामने ही बात है, क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई 1 मार्च से बोल दिए कमलनाथ से लेना पानी, और आप पिछले 15 साल से सरकार में थे, आपने 15 साल से 1.5 साल हुआ है माचागोर के टेंडर को होके, 1.5 साल में आप धर्म टेकड़ी तक पानी नहीं ला पाए हो, और अब 2 महीने बोल रहे हो कि कमलनाथ जी से पानी लो, तो ये इनको मतलब राजनीति करना चालू कर दिए, ये हमको बोलते थे कि पानी के लिए राजनीति मत करो, और आप खुद क्या कर रहे हैं, पानी को लेकर राजनीति करने लगे, जनता इनके पास जाएगी सीधे ये बोल रहे हैं कि 1 मार्च से पानी देंगे, अरे तो भैया अभी तत्काल की व्यवस्था तो आप देखो, आप भी तो नगर निगम में सत्ता पक्ष में हो, जनादेश एक जनता उनको भी दी हमको भी दी, जो दी भाई वो जनादेश को एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, जो अभी जितनी विपरीत परिस्थितियां शहर में चल रही पानी को लेके उसको लेके तो ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए, कौन कांग्रेस कौन भाजपा, भाई सबको मिलजुल के करना चाहिए, टैंकर में वो वहाँ गड़ वो कर रहा है व्यवधान पर, मतलब जो टैंकर सप्लाई चल रही है वहाँ तो वो दिक्कत खड़े कर रहा है, कल कमिश्नर साहब ने 2 लोगों को नियुक्ति करें वहाँ, आनंद अग्रवाल और राजवीर की। सर ये वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 में पानी की समस्या कुछ ज़्यादा ही है, 5-6 दिन की आड़ में टैंकर मिल रहे हैं,
पानी एक्चुअल में अभी कन्हेरगांव डैम में मोटर डिस्टर्ब हो गई थी जो रिपेयर करा ली गई है, तो हो सकता है 2 से 3 दिन में पानी मिल पाया हो, लेकिन अब वो प्रॉपर हो गई है तो संभवतः कल से हम लोग सुचारू रूप से 1 दिन की आड़ में पानी दे पाएंगे। सर गंदगी भी बहुत है वहाँ पर। गंदगी के लिए जैसे ही मैं संज्ञान में आया है मैंने दल को भेज दिया है, अगर वहाँ कुछ है तो उसको सफाई करवा दी जाएगी। पानी की सभी पूरे शहर में समस्या है सर, बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, लड़ाई झगड़े पुलिस। पानी हम लोग कोशिश कर रहे हैं सप्लाई देने की, इसके अलावा हमारा जो माचागोरा से पानी आना है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 मार्च से हम उसकी पानी की आपूर्ति पूरे शहर में नियमित रूप से कर पाए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है, कार्य प्रगति पर है और इस माचागोरा डैम का जो योजना है अमृत योजना के अंतर्गत कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। खबरों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जेरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री, लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग, उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर, किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर,
आर्टिफैक्ट्स और फ्लावर सेट, स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर LIC ऑफिस के पास परासिया रोड छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। एक तरफ समूचा नगर निगम क्षेत्र पेयजल संकट से जूझ रहा है, चार चार पांच पांच दिनों में भी जल प्रदाय संभव नहीं हो पा रहा है और दूसरी ओर पानी की बर्बादी के नजारे लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र में आज पेंशनर्स सेवा संघ द्वारा पेंशनर्स डे मनाते हुए 80 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित किया गया। पेंशनर्स डे में सभी आदरणीय आमंत्रित पेंशनर्स लोगों का स्वागत है। इस स्वागत मेला में यह निश्चित हुआ है कि जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है उन्हें पेंशनर डे के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाए। इसी तारतम्य में श्री जयशंकर जी शुक्ला 82 वर्ष, सी डी किलानिया जी 79 वर्ष तथा मानमोड़ी जी 76 वर्ष, चूंकि चार ही जो डिसाइड हुआ है जो वरिष्ठतम चार लोगों को, चार पेंशनर्स को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इधर देखो, श्री मानमुना जी वरिष्ठ नागरिकता का भी ध्यान रखा गया और इस नई सरकार से वरिष्ठ नागरिकता को क्या अपेक्षाएं है, पेंशनर्स के लिए तो है, इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज दिनांक 2/1/2019 को
मासिक बैठक वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र कलेक्टर परिसर में पेंशनर सेवा संघ की मीटिंग आयोजित की गई और जो पेंशनर डे मनाया जाना था 17 दिसंबर को वो आज आयोजित किया गया। इसमें ये एक प्रोविज़न किया गया था कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो पेंशनर के अतिरिक्त भी हैं और जो 90 वर्ष से ऊपर आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका सम्मान किया जाना है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल कठिनाई ये आ रही है कि 90 साल के नागरिकों को यहाँ पे लाने के लिए कठिनाई होती है, उनकी शारीरिक अवस्था जीर्ण शीर्ण होती है, तो ये विचार रखा गया कि ये उनके घर में जाके ही सम्मानित पेंशनर्स के सदस्य करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्तमान पे जो 80 वर्ष की आयु या उससे नीचे 75 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। 26 जनवरी में माननीय कमलनाथ जी जो आ रहे हैं तो समस्त पेंशनर संघ पेंशनरों की जो मुख्य मांगे हैं उनको रखने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाला दर्पण के अंतर्गत मॉनिटरिंग के फॉलोअप की समीक्षा की गई। संतोषी माता मंदिर गुलाबरा में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर श्रद्धालु मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। पर भरत जी के प्रयाग में विश्राम नहीं किया था। जो भगवान के भक्त हैं वो संसार के सुख में नहीं उलझते। किसी संत ने, किसी महात्मा ने महाराज मनु की कन्या को स्वीकार नहीं किया, तब कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कर्दम ऋषि से प्रार्थना की, महाराज ये हमारी कन्या सेवा में स्वीकार करो। तो कर्दम ऋषि ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया था, दो आसन लगा दिए थे आतिथ्य में, एक राजा का और एक बिटिया का। तो देवती माता ने देखा कि कर्दम ऋषि ने दो आसन दिए हैं, एक मेरे पिताजी के लिए एक मेरे लिए, और सीधे सीधे यदि ऋषिराज के बिछाए आसन पर बैठ जाती हूँ तो ये उचित नहीं होगा, और यदि नहीं बैठती हूं तो कर्दम ऋषि को लगेगा मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। क्या करें, धन्य भारत की कन्या को वो आसन पर बैठे नहीं, लेकिन कर्दम ऋषि के बिछाए हुए आसन पर एक दाहिना हाथ रखा, मानो उनका सम्मान भी कर दिया और दूर बैठ गई। अब ऋषि को लगा जो इतनी समझदार कन्या है यदि इसके साथ विवाह करूंगा तो निश्चय है मेरा ग्रस्त जीवन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना बने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल आनंदी बेन ने दिलाई शपथ। सीएम कमलनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश, खुशी की लहर।
जिला अस्पताल में भी शुरू हुआ कायाकल्प, हर दिन बदले जाएंगे मरीजों के बेड के चादर। और वार्ड क्रमांक 6 और 8 में गंदगी और पानी की समस्या से क्षेत्रवासी परेशान, शहर में पानी की किल्लत और लापरवाही के नजारे। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।